शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार को अब काम करना चाहिए, संस्थान नहीं बंद करने चाहिए। शिमला में बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी पर सरकार को घेरा, कहा सरकार काम करे बड़े हुए दाम। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, बस पलटने से 40 स्टूडेंट्स हुए घायल, बिलासपुर में चल रहा सभी का इलाज। मंडी में राज्य स्तरीय चेचू मेले रिवॉल्वर का हुआ समापन, मेला कमेटी अध्यक्ष स्मृतिका नेगी ने की अध्यक्षता, मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग भी रहे मौजूद। कुल्लू में अखाड़ा बाजार में मनाया जाएगा प्राचीन फाग मेला, 800 महिलाओं की महानाटी होगी, मेले का आकर्षण, तैयारियों को लेकर की गई बैठक। वहीं अब शुरुआत करते हैं खबरों की। शिमला में सुक्खू सरकार के सत्ता में आते ही डिनोटिफाइड संस्थानों के फैसले को लेकर विपक्ष ने पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से विरोध जताया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर विस्तृत चर्चा भी की है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने अब सरकार को संस्थानों को बंद करने के स्थान पर कार्य करने के लिए कहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकार को काम करना शुरू कर देना चाहिए, वहीं कहा कि चल रहे कामों को बंद करने का काम इस सरकार को अब बंद कर देना चाहिए। पहले से इस बात को लेकर के बार बार कह रहे हैं कि सरकार को अब काम करना शुरू करना चाहिए और जो काम चला हुआ उसको बंद करने का काम बंद करना चाहिए। मैं इस बात को देख करके थोड़ा हैरान हूं कि पिछले कल आपको मालूम पड़ा कि कॉलेजेस भी जो है वो डिनोटिफाई कर दिए, मात्र 3 कॉलेज जो है वो उन्होंने उसमें रखे हैं। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया है, ये सारी चीजें बहुत हद तक जो है आपको क्या लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद बहुत विरोध है इसका लोगों के बीच में। वहीं घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश महिला कांग्रेस ने आज शिमला में बीजेपी मुख्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और रसोई गैस के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग भी की। साथ ही महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में महंगाई बढ़ी है, जिसका खासा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है और रसोई गैस के दाम 1200 अब पार कर चुके हैं, जिससे गृहिणियों को रसोई चलाना मुश्किल हो गया। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, तब बीजेपी इसको महंगा बताती थी और आज सिलेंडर के दाम 1200 पहुंचने पर बीजेपी की महिला नेत्री चुप हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, आम आदमी का जीवन यापन महंगाई के कारण मुश्किल हो गया है। 450 रुपए सिलेंडर था तो ये दर्जन भर हमारी महिला भाजपा की बड़ी बड़ी नेत्रियां तब सिलेंडर लेके सड़कों पे उतरती थी, आज 1205 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आज वो कुछ नहीं बोलती, आज सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आपने देखा 450 और 1205 रुपए, कितना भारी जो बढ़ोतरी की गई है। आम आदमी, गरीब आदमी इस महंगाई के काल में, जबकि बेरोजगारी में सबसे ज्यादा हमारे युवा परेशान। वहीं शुक्रवार की सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 स्थित लखनपुर से एक बड़ा सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक निजी वॉल्वो बस पलटने से 40 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स मनाली टूर पर जा रहे थे कि लखनपुर के सामने तीखे मोड़ पर बस चालक बस पर नियंत्रण नहीं कर पाया और सड़क पर ही बस पलट गई। वहीं हरियाणा नंबर की इस वॉल्वो बस को कॉलेज छात्रों ने दिल्ली से मनाली के लिए बुक किया था। वहीं सड़क पर बस पलटने से 40 स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं, जबकि एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं इन सभी घायलों का क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में इलाज चल रहा है और इनमें से एक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। ये मेजरली दिल्ली के ही लोग हैं, 2 कॉलेजेस का ग्रुप आया हुआ था,
तो सुबह सुबह हमें 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक गाड़ी जो वॉल्वो है वो पलट गई है लखनकुपुर के पास। तो तुरंत से हमारे 108 जो है और पुलिस और सभी अमला वहां पहुंच गया, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया था। तो वहां से हमने उनको रेस्क्यू किया और यहां हॉस्पिटल में ले आए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक लड़की जो है वो इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, वो स्पॉट पर ही हो गई थी। और एक अभी हमने जो थोड़ी सीरियस थी उनको हमने पीजीआई रेफर किया है प्राइमरी यहां पर देकर, वो भी मोस्टली आउट ऑफ डेंजर ही है। और हमारे पास 4 फ्रैक्चर के भी केस है, टोटल 40 पेशेंट्स हमारे पास हैं, बाकी माइनर इंजरीज में है जो है। तो अभी सबका उपचार चला हुआ है, रिलीफ हम दे रहे हैं, खाना पीना हम उनको दे रहे हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। तो बाकी जो है आउट ऑफ डेंजर है। वहीं मंडी में आज राज्य स्तरीय 3 दिवसीय चेष्टू मेले का संपन्न हो गया। वहीं एसडीएम बलह और मेला कमेटी अध्यक्ष स्मृतिका नेगी ने मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इससे पहले उन्होंने निगम्पा मॉनेस्ट्री में पूजा अर्चना की और झंडा रस में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्मृतिका नेगी ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जिनके आयोजन से लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि रिवालसर का चेष्टू मेला उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मेला है, जिसमें 3 धर्मों के लोगों ने काफी संख्या में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को सहेजना और संजोए रखना अति आवश्यक है, ताकि यह निरंतर आगे बढ़े और नई पीढ़ी भी इसके बारे में जान सके। आज जो राज्य स्तरीय शिशु मेला है जो 3 दिवसीय था, उसका समापन हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सब जनता का, सब चुने हुए प्रतिनिधियों का, पत्रकार बंधुओं का। आप सबने इतना साथ दिया और इस बार जो ये मेला है ये बहुत ही ऊंचाइयों को इसने छुआ है। हजारों की मात्रा में लोग थे, अगर आप रात को आपने देखा होगा तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार भी हमारी मोनेस्ट्री से लेकर हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, मिलकर इस मेले को इसी तरीके से और ऊपर ले जाएंगे। वहीं बीजेपी के पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और नागालैंड में जीत की खुशी में आज बीजेपी मंडल धर्मशाला ने कछहरी अड्डा धर्मशाला में लड्डू बांटी। इस मौके पर धर्मशाला से बीजेपी के प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी ने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जाता है। उन्होंने कहा कि पहले भी इन प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और एक बार फिर यहां पर बीजेपी की सरकारें बनी है। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण नाग, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजू रुस्तगी और तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। भारतवर्ष जो है वो खुशी का माहौल है। भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से पूर्वोत्तर में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया है, और ये सारा जो इसका श्रेय है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के श्री जेपी नड्डा जी को, इनकी मेहनत का ये नतीजा है। और त्रिपुरा और नागालैंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने आप को वहां पर स्थापित किया, उसी की खुशी को मनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के धर्मशाला मंडल ने आज यहाँ लड्डू बांट के अपनी खुशी को जाहिर किया। वहीं अगली खबर हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू से सामने आ रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में प्राचीन फाग मेला इस बार 8 और 9 मार्च को मनाया जाएगा। तो वहीं अब की बार इस मेले में 800 महिलाएं कुलवी परिधान में महानाटी का भी आयोजन करेंगी। आपको बता दें फाग मेला कमेटी की तरफ से इस बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है और सांस्कृतिक संध्या भी इस मेले के दौरान आयोजित की जाएगी। फाग मेला कमेटी के अध्यक्ष विशाल सूद ने बताया कि बीते 5 सालों से इस मेले को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और अब की बार भी देवी देवताओं के साथ एक शोभा यात्रा भी रामशिला से लेकर अखाड़ा बाजार तक निकाली जाएगी। विशाल सूद ने यह भी बताया कि 4 मार्च को भी पारिवारिक होली संध्या कार्यक्रम अखाड़ा बाजार में आयोजित किया जाएगा। वहीं देवता ध्रुव ऋषि के सम्मान में आयोजित होने वाले इस मेले में देवता ध्रुव ऋषि के अलावा देवता चंद्रमौली महादेव भी विशेष रूप से भाग लेंगे। ध्रुव ऋषि जी की जय जयकार हो, जिनकी कृपा से हर साल ये मेला आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इस बार भी फागु जो जांच है वो 8 और 9 तारीखों में मनाई जाएगी। और इस बार फागु जांच में हमने 8 तारीख को जो लामों का प्रोग्राम है वो आएंगे यहाँ पे हमारे यहाँ पे, और शाम को जो भजन संध्या है खुशबू भारद्वाज जी है जो उनका प्रोग्राम होगा, और जो अगले दिन 9 तारीख को अपनी एक महानाटी होने जा रही है जिसमें 800 महिलाएं तकरीबन 800 महिलाएं इस नाटी में भाग लेगी। और हमारी एक यात्रा होती है देवताओं के साथ, यहां से हम अखाड़ा से रामशिला हनुमान मंदिर तक जाते हैं, फिर वापिस यही अपने
प्रांगण में वापिस यहाँ पे आते हैं। वहीं ज्वाली कांगड़ा में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मिशन 70 के तहत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नूरपुर के सुलियाली रोज पब्लिक स्कूल में क्रिकेट सब सेंटर शुरू किया गया है। इस क्रिकेट सब सेंटर के उद्घाटन समारोह में नूरपुर एसडीएम गुरसिमरन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और क्रिकेट सब सेंटर की रिबन काटकर खेल की शुरुआत की। इस मौके पर आज युवा खिलाड़ियों के ट्रायल भी लिए गए, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एचपीसीए ने अनुराग ठाकुर के मिशन 70 के तहत हिमाचल में अलग अलग क्षेत्रों में सब सेंटर बनाए हुए हैं। इस मौके पर नूरपुर एसडीएम गुरसिमरन ने कहा कि यह स्पोर्ट्स सब सेंटर बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा और बच्चों के लिए आज पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी रहना बेहद जरूरी है। श्री अनुराग ठाकुर जी के मिशन 70 के तहत रोज पब्लिक स्कूल सुलियाली में एक क्रिकेट सब सेंटर खोला जा रहा है, जिसके तहत हमारे आसपास के गांव के बच्चे जो हैं इस एकेडमी में खेलेंगे और उनकी ग्रूमिंग के द्वारा उनको आगे तक पहुंचाया जाएगा। मैं माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये सराहनीय कदम उठाया है मिशन 70 और उस एकेडमी का आज हमारे स्कूल में उद्घाटन है। एचबीसीए का मिशन 70 के तहत सुलियाली स्कूल जो रोज पब्लिक स्कूल है, इसमें भी हमारा एक सब सेंटर कोचिंग सेंटर जो क्रिकेट का खोलने जा रहा है, इसके लिए रोज पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत बधाई है और एचपीसीए का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे गांव का जो इधर टैलेंट निकालने का उसको खोजने के लिए एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है गाँव में, तो उनके लिए एचपीसीए का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, कितने सेंटर खोले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मिशन 70 करके एक एचपीसीए का प्लान है, तो उसमें 60 से ऊपर जो सेंटर खुल चुके हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर आज नारेबाजी की और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर हिमाचल काउंसिल के अलावा इंडियन काउंसिल से रजिस्टर्ड दर्शाया गया है, परंतु यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ हिमाचल काउंसिल की परमिशन है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की यूनिवर्सिटी के पास कोई परमिशन नहीं है। छात्राओं ने बातचीत में बताया कि जब नर्सिंग का एडमिशन लिया गया था तो यूनिवर्सिटी ने ऑल इंडिया की एफिलिएशन होने की बात भी कही थी, पर यूनिवर्सिटी को सिर्फ हिमाचल नर्सिंग काउंसिल की ही परमिशन दी गई थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने धोखे से एडमिशन करवाए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरे दस्तावेज ना देने के चलते इंडियन नर्सिंग की एफिलिएशन 2021 में कैंसिल कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।